अजमेर जंक्शन पे और हम लोग की ट्रेन फाइनली हम लोग उतर चुके हैं बोरेवली और हम लोग यहाँ पर जंग जीत के आए, जंग लड़ के जंग जीत के आए। तो अभी जाने के घर पे जाने की हालत देख सकते हो और हम सब की हालत दिख रही होगी कैसा कर रहे हैं वो। फाइनली मेरी ज़्यारत हो चुकी है, नहीं क्या तो आप लोग को दिखा रहा हूँ। इधर हो रही है कव्वाली, इधर कव्वाली हो रही है। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, मेरी ज़्यारत तीरत हो चुकी है। चलो मिलते हैं अभी घर पे। हम लोग आए थे 26 से 28 जन और बैग जा रहे 30 से 35 रिटर्न घर पे। 40 है, तू गिना पक्का गिना ना। हाँ चल तेरे लिए 40। और यहाँ पर ये लोग सब बैठे रिक्शे के लिए, जैसी रिक्शा आएगी यहाँ से सीधा भागेंगे। शर्मा मत तेरी, सॉरी तेरे लिए रिश्ता नहीं ला रहे तो चलो चलते हैं। साइमा बंद कर दे। साइमा नहीं, अभी साइमा शक्ल दिखाएगी जब भी बंद करूंगी मैं। तो फेस रिवील होता है साइमा। तो चलो चलते हैं। माशाल्लाह से हम लोग की मस्ती चालू हो गई। भाई अभी हम लोग का सफर यही खत्म होता है, अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर बम्बई वापस। और हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर जंक्शन पे और हम लोग की ट्रेन है 8:05 की और हम लोग कम से कम 1.5 घंटा पहले आ गए ना।
हम लोग कम से कम एक डेढ़ घंटा पहले आ गए और यहाँ पर सब खड़े हैं, बस पसारा रखा हुआ है और हमजा भी सो चुका है। तो अभी एक डेढ़ घंटे के बाद हमारा सफ़र चालू होगा, वो भी घर के लिए। सो गाइस फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में बड़ी जद्दोजहद के बाद। तुम लोग आ गए से शाइन मार दिए। सामान तो इतना हो चुके हैं कि किसी की कोई याद नहीं है, बस अभी तक बस खाली सामान एडजस्ट करने में लगे। चलो देखते हैं खाना लाने के बाद मिलते हैं आप लोग से। आवाज़ भी नहीं निकल रही है। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं बोरेवली और हम लोग यहाँ पर जंग जीत के आए, जंग लड़ के जंग जीत के आए। तो अभी जाने के घर पे जाने की तैयारी है, सबकी हालत देख सकते हो और हमजा की हालत दिख रही होगी कैसा कर रहा है वो। तो चलो चलते हैं घर पे। फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं। आवाज़ इतनी बैठ गई ना, आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। और जस्ट अभी है पहुँचे, फ्रेश होकर मैं बैठी हूँ, महफूज भी ऊपर गए फ्रेश होने के लिए। ट्रेन का मैं सीन कुछ बता ही नहीं पाई क्योंकि ट्रेन का सीन ही लगता है, इतनी रश थी। हम लोग का कन्फर्म टिकट होने के बाद भी हम लोग इतना घुस पीट के आए, आधे से ज़्यादा लोग पूरे नीचे बैठे हुए थे। फिर भी हम क्या बोलेगा, अभी से जंग लड़के सबसे लड़ झगड़ के सीट पर बैठ के आए। घर पर पहुँचे तो अभी थोड़ा सुकून मिल गया, हम लोग घर पे आ गए और मैं भी गए ऊपर फ्रेश होने के लिए और मेरी मम्मी भी आज सर लग गए पकाने करने ताकि हम लोग खाना खाए, क्योंकि बहुत जोर की भूख लग रही है अभी आज से। तो गाइज अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।